पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नौ नियुक्त बीपीएससी से शिक्षक, जिनकी चर्चा अब पूरे देश भर में हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों के जो लोग हैं वो बिहार में नौकरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, झारखंड या फिर अलग अलग जो राज्य के लोग हैं वो बिहार में बीपीएससी से नवनियुक्त होकर शिक्षकों की नौकरी कर रहे हैं। स्कूल का समय के पाठक के अनुसार 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है। 5 बजे शाम में, अभी जो है ठंडा का दिन चल रहा है और 5 बजते बजते रात जैसी स्थितियां बिहार के सुदूर गाँवों में उत्पन्न हो जा रही हैं, जिस वजह से जो शिक्षक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो चाहे अगर बात करें वाल्मीकि नगर की, अगर बात करें वैसे जगहों पर जहां पर स्थितियां अभी भी उतनी सुधरी नहीं हैं, खास तौर पे सबसे ज़्यादा समस्याएं अगर करें तो महिला शिक्षिकाओं को हो रही हैं। महिला शिक्षिकाओं ने आपत्ति भी दर्ज कराया है, बावजूद इसके के पाठक का जो आदेश है उसे मानना है। शिक्षकों को भी डर लगता है। वाल्मीकि नगर की अगर बातचीत की जाए तो घना जंगल रहता है, कोहरे की वजह से शाम 5 बजे दूर गाँव से आकर के जो वहाँ पे उन्होंने अपना डेरा लिया है वहाँ जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं, कई जगहों की स्थितियाँ तो ऐसी हैं कि ठंड की वजह से कोहरा छाया रहता है, जिससे कई शिक्षकों का एक्सीडेंट भी हो गया है। जल्दबाजी में स्कूल पहुंचना है, स्कूल से 5 बजे छूटते छूटते लगभग कहीं ना कहीं समय ज़्यादा हो जाता है। अब क्या करें, नौकरी बचाना है, के पाठक का आदेश मानना है। अगर आदेश नहीं मानेंगे तो के पाठक जी एक लिफाफा थमा देंगे आपका और कहेंगे कि आपकी सैलरी रोक दी गई है। ये स्थितियाँ बिहार के स्कूलों में इस वक्त हुई है। देखिए, आदेश और जिस तरीके से के पाठक काम करना चाह रहे हैं उनके कामों की हम कभी भी अवहेलना नहीं करते हैं, वो सराहनीय है। लेकिन कुछ ऐसे फैसले के पाठक के होते हैं जिस वजह से शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, महिला शिक्षिका जो बीपीएससी के माध्यम से नौ नियुक्त हुई हैं वो एक एक करके अब रिजाइन दे रही हैं, नौकरी छोड़ रही हैं। पहले मैंने आपको खबर दिखाया है, एक साथ 100 शिक्षकों को ने अपनी रिजाइन जो है वो डीओ को भेज दिया। कई कारण बताए गए, के पाठक का आदेश मानना है, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहते हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने ये हवाला दिया कि अब हमें इस नौकरी की ज़रूरत नहीं है, हमने केंद्रीय विद्यालय में नौकरी हमें मिल गया है और वहाँ की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है, जिस वजह से वो छोड़ रही हैं। अब देखिए, महिला शिक्षिकाओं को डर लगता है, स्कूल से लौटते टाइम शाम हो जाता है, जिस वजह से वो काफ़ी परेशान रहती हैं और कहती हैं कि अपनी बातें वो कहती हैं और नाम नहीं लिए जाने के बारे में वो कहती हैं कि बहुत मुश्किल है ये काम करना, लगता है कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकते, हमें बोलने से मना किया गया है, कृपया हमारा नाम नहीं बताइएगा। हम आपको बता रहे हैं कि 1 दिसंबर से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से एक फरमान जारी हुआ कि शाम 5 बजे स्कूल बंद होगा। 3 बजे के बाद धीरे धीरे आजकल अंधेरा होने लगता है, 5 बजे तक स्कूल खुला रखने और उसके बंद करते करते 5:30 बज जाता है। हम लोग स्कूल से काफ़ी दूर रहते हैं, 15-20 किलोमीटर की दूरी से आना जाना पड़ता है। स्कूल से निकलते वक्त डर लगता है, हमारा स्कूल मुख्य सड़क किनारे नहीं है, रात के अंधेरे में छेड़खानी और लूटपाट का भय बना रहता है। तो ये स्थितियाँ तो के पाठक ने उत्पन्न कर दी हैं, के पाठक की तानाशाही की वजह से जो बिहार की स्थितियां हैं और ख़ास तौर पे महिलाओं की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान करने वाली हैं। के पाठक कई ट्रेनिंग सेंटरों पर जाते हैं, कहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं, आप तो रख लीजिएगा, लेकिन क्या बिहार पुलिस का महकमा उन शिक्षक शिक्षिकाओं का सुरक्षा कर पाएगा जिनको आजकल अपराधी ही दौड़ा दे रहे हैं? आपने देखा होगा, कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, जब अपराधी को बिहार पुलिस नहीं पकड़ सकती है तो शिक्षकों की सुरक्षा आप कैसे कर सकते हैं? के पाठक जी, एक बड़ा सवाल है, आपको कहीं ना कहीं इस आदेश को वापस लेना होगा। 9 से 4 जो स्कूल का समय था वो ठीक था स्कूल का समय। कई ग्रामीणों की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कई जगहों की हमने तस्वीरें देखी जहां झोपड़ी नुमा स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, शिक्षिकाएं परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं। स्थितियां बिहार की आज भी सुधरी नहीं है, वही स्थितियां हैं, महिलाओं का दर्द आप कैसे समझिए? के पाठक जी, एक बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़े चलते हैं। देखते रहिए भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।